सो अब आगे का ये सेकेंड वीडियो है। मैंने पहले वीडियो में ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया था, आधा चैप्टर। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे फिर से एक्टिविटी 1.2। तो एक्टिविटी 1.2 में क्या है, इसमें दिया हुआ है कि टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लिड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, मतलब बॉइलिंग ट्यूब में, जैसे कि ये देखिए इसमें ये लिड नाइट्रेट का पाउडर ऐड किया हुआ है इस ट्यूब के अंदर, और उसे एक टोंग से होल्ड करिए, ठीक है, पेयर ऑफ टोंग देखिए, एंड हीट, और इसमें हीट करिए इसे विथ अ बर्नर या बर्नर से ही, क्योंकि कैंडल बहुत लो फ्लेम करता है, राइट। तो देखिए आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा, यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा उसमें से, देखिए इसका रिएक्शन जो हो रहा है, रिएक्शन देखिए यहाँ पे जो टेक प्लेस कर रहा है उसका कैसा होगा रिएक्शन, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिंबॉलिक वे में, देखिए ये पूरा। तो इसमें क्या है, लिड नाइट्रेट हीट दिया जा रहा है, हीट देखिए यहाँ पे हीट लिखा हुआ है इस पर एरो के बाद, मतलब हीट से हो रहा है ये, हीट से इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें एक से ये 2-3 में बदल रहा है, ठीक है, एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड से ये एलिमेंट में बदल रहा है, ठीक है, एलिमेंट या तो ये देखिए ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, लेकिन ये टूट रहा है, राइट, इसलिए ये एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और ये किसके थ्रू हो रहा है, हीट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लेड नाइट्रेट है, यहाँ लेड ऑक्साइड बन रहा है इससे, और लेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका, ये हो गया इसका इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.7 जो है, टेक अ प्लास्टिक मग, जैसे कि पिक्चर में आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक प्लास्टिक मग आपको ले लेना है, और फिर ड्रिल 2 होल्स एट बेस, देखिए इसके बेस में देखिए यहाँ पे 2 होल बनाया हुआ है, जैसे कि ये एक मग है, इधर 2 खाली है, जैसे कि इधर ये हमने इसको ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, ये देखिए ऐसा यहाँ पे ऐसे है, वेट अ मिनट, ये यहाँ होल है, फिर यहाँ से जैसे कि ये होल बन रहा है ना 2, वहाँ आप ड्रिल कर लीजिए होल, और फिर देखिए क्या करना है, कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट बैटरीज, ठीक है। ड्रिल 2 होल्स के बाद देखिए फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स, मतलब उसमें वाटर भर लीजिए उस मग में, अब वाटर बाहर ना जाए इसलिए रबर स्टॉपर भी भर लीजिए, ठीक है। इंसेक्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स, आप में इस, आपको इसमें एक कार्बन इलेक्ट्रोड्स डालना है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स विद, देखिए यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी से इसे कनेक्ट किया गया है, फिल द मग विथ वाटर, ये मैंने पहले ही बताया, देखिए वाटर से इसे फिल कर देना है, क्योंकि यहीं से आपको दिख रहा है पिक्चर में वाटर, रबर स्टॉपर, देन बैटरी, एनोड, कैथोड, स्विच है यहाँ पे एक देखिए, देन यहाँ पे ऑक्सीजन है, टेस्ट ट्यूब है, ग्राफाइट्स है, रॉड है, हाइड्रोजन है, प्लास्टिक मग है, सब तो आपको बना दिया है, राइट। अब देखिए फिर ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाना है इस वाटर के अंदर, देखिए तब क्या होता है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इन्वर्ट कर देना है उन दोनों को 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल विथ वाटर, तो कार्बन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देना है, स्विच वन करेक्ट करंट एंड लेवल द अपर्चर अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, अब इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए बिना उसे डिस्टर्ब करिए, तो देखिए आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट द बोथ ऑफ द, ये देखिए ये इस दोनों पे आपको फॉर्मेशन ऑफ बबल्स मिलेगा, देखिए लेकिन इसमें देखिए ज़्यादा बबल्स आपको दिख रहे हैं, राइट, इसमें कम दिख रहे हैं,
तो इसका मतलब क्या है, क्यों कम दिख रहे हैं? तो देखिए आगे के एक्सरसाइज में आपको पता चलेगा. यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, द बबल्स डिस्प्लेस्ड वाटर इन द टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब का जो वाटर है उसे बबल डिस्प्लेस्ड कर ले रहा है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पता है, मतलब एक चीज़ अगर दूसरी चीज़, जैसे कि यहाँ क्या है, ये है, तो अगर टू को वन डिस्प्लेस कर ले रहा है तो क्या हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया? अब देखिए आगे देखिए, द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन द सेम इज द सेम इन द बोथ ट्यूब्स टेस्ट ट्यूब्स. तो क्या वो पूछ रहा है आपसे, क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में एक ही है वॉल्यूम जो वो गैस कलेक्ट हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है. कैसे? वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विथ द रेस्पेक्टिव गैसेस, मूव देम केयरफुली, एकदम आराम से. दीज टेस्ट ट्यूब गैस वन बाय ब्रिंगिंग अ कैंडल क्लोज टू द माउथ. टेस्ट करना है कि उसमें कौन सा गैस है. व्हाट हैपन इन दिस केस, विच गैस इज प्रेजेंट इन दिस टेस्ट ट्यूब. क्या गैस प्रेजेंट होता है इस टेस्ट ट्यूब में, आपको इसमें बताना है. तो देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअली, कि फॉर्मेशन ऑफ बबल्स तो होता है दोनों इलेक्ट्रोड्स में. रुकिए एक मिनट, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ. दोनों इलेक्ट्रोड्स में बबल फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, लेकिन द वॉल्यूम ऑफ, इसमें किस कौन सा बबल फॉर्म हो रहा है? H2, मतलब हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है इसमें. ठीक है, इतना याद रखिए कि हाइड्रोजन इसमें फॉर्म हो रहा है. ठीक है, H2 हाइड्रोजन इसमें फॉर्म हो रहा है. ओके, इस डबल जो हाइड्रोजन जो फॉर्म हो रहा है वो डबल है कंपेयरिंग टू ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन का देखिए, इस वाले में हाइड्रोजन जा रहा है, ठीक है, इस वाले में ऑक्सीजन है. तो जो वॉल्यूम है ना हाइड्रोजन का, वो डबल है ऑक्सीजन का. और व्हेन वी बर्न कैंडल, जब हम एक बर्निंग कैंडल उसके पास लेके आते हैं, जैसे कि बर्निंग कैंडल है ये, और जब हम इसे लेके आएंगे इसके पास और एक टेस्ट ट्यूब के पास, तो क्या होगा? गैस इन द टेस्ट ट्यूब, हम एक टेस्ट ट्यूब के पास लाएंगे, जैसे कि एक कोई टेस्ट ट्यूब के पास ला रहे हैं, तो वो कैचेस फायर हो जाएगा एंड बर्न्स विद अ पॉप साउंड. तो जब पॉप साउंड के साथ बर्न होगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि H2 है. ओके, और गैस एट एनोड जो पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन गैस, सॉरी, जो पॉजिटिव चार्ज है जो एनोड में बना है, जो एनोड में बना है वो है ऑक्सीजन गैस, एंड जो कैथोड में बना है वो है हाइड्रोजन गैस. ठीक है, अब देखिए जब इसमें ये इसमें जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीजन इसमें बन रहा है एनोड में, इसमें बन रहा है कैथोड में, तो ऑक्सीजन किस, ये कैंडल जब हम इसके पास लाएंगे हाइड्रोजन के पास, तो वो पॉप साउंड करके बर्न होगा. ठीक है, ऐसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा है. राइट, चलिए अब इसमें देखते हैं कि क्या दिया है इस एक्सरसाइज में. टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश. यहाँ पे देखिए लिया हुआ है सिल्वर क्लोराइड. व्हाट इज़ इट्स कलर? प्लेस द चाइना इन सनलाइट. व्हाट विल यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम. ठीक है, तो क्या होगा उसका कलर, क्या होगा? तो देखिए कलर तो होगा, यू विल सी दैट वाइट सिल्वर कलर क्लोराइड टर्न्स ग्रे. ठीक है, तो जो वाइट कलर का रहता है ना वो ग्रे कलर में बदल जाएगा. इट इज़ ड्यू टू द सनलाइट एंड सनलाइट ड्यू टू द कंपोजिशन बाय द लाइट डिकम्पोजिशन. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन बाय लाइट. तो इसे हम क्या बोलेंगे? इस डिकम्पोजिशन का एक नाम भी है, और उसका नाम क्या है? वो है फोटो डिकम्पोजिशन. ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको आगे बताएगा, पहले ये देख लेते हैं इसका. देखिए ये होता है, ठीक है, Ag मतलब क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड. Cl मतलब सनलाइट के थ्रू उसका रिएक्शन हो रहा है, दोनों क्या बोलते हैं उसको, डिकम्पोज हो जा रहा है. राइट, डिकम्पोज मतलब मैंने आपको बता दिया है 3-4 बार कि टूट जाना मतलब डिकम्पोज होता है. राइट, देखिए यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, टर्न्स ग्रे इन सनलाइट फ्रॉम सिल्वर मेटल. ओके, ग्रे में बदल जाता है सिल्वर से. आगे देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे. अब देखिए ब्रोमाइड का अगर आपको पूछ देगा एग्जाम में तो सेम वे है,
जैसे कि ये देखिए दोनों लिखा हुआ है, ए जी सिल्वर एंड बी आर ब्रोमाइड, तो ए जी अलग हो जाएगा, ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, ठीक है। द एवर रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में ये यूज़ होता है, ठीक है। ये एवर, ये मतलब इक्वेशन। वॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए वी कैन सी दैट, तो यहाँ पे हम लोग को पता, देखिए वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड आई एनर्जी आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया ये पहले वाले पार्ट में कि एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, इन इन, और थर्मिक मतलब हीट या एनर्जी, ठीक है। तो इन ऑफ हीट एंड एनर्जी इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। आप देखिए आगे ये क्वेश्चन मैं अगले ने तो थोड़ी इसी में बता देती हूँ, वैसे मैंने एक वीडियो प्रोवाइड की है। देखिए द सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वॉशिंग फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक है। तो आपको इस एक्स सब्सटेंस का नाम बताना है, तो ये एक्स सब्सटेंस पता ही है आपको, क्विक लाइम है, ओके क्विक लाइम, क्विक लाइम, ओके क्विक लाइम है ये। क्विक लाइम मतलब कार्बन ऑक्साइड, पहले वाले वीडियो में देखिए बताया हुआ है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन, ये देखिए इस वाले में, एंड विथ वाटर, मतलब इस दोनों का रिएक्शन आप लोगों को बताना है। चलिए बता देंगे, एकदम इजी है, चुटकी का काम है। देखिए CaO मतलब कार्बन ऑक्साइड प्लस वाटर मतलब H2O, ठीक है H2। अब इसका रिएक्शन के बाद क्या आएगा, CaOH2 होल में, ठीक है, प्लस हीट। हीट ये देखिए दे रहा है, मतलब क्या होगा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक एग्जांपल आप इसे भी ले सकते हैं। देखिए व्हाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब, इन वन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी, अच्छा उसमें जो पहले हम लोग एक्टिविटी किए हैं 1.7 में, इस कलेक्ट इज डबल ऑफ अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, नेम दिस गैस। तो गैस ईजी है, हाइड्रोजन है, ठीक है, बता ही दिया था आपको ये भी। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखिए रुकिए, हाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है, एक जब एक सब्सटेंस, एक एलिमेंट या एक कंपाउंड दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देता है, जैसे कि ए प्लस ए बी नहीं लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे, राइट, ए प्लस बी सी, ठीक है। तो क्या होगा ये बी ए प्लस ए सी प्लस बी, बी को अलग हो गया, मतलब क्या ये इसे डिस्प्लेस कर दिया, क्यों डिस्प्लेस किया, क्योंकि ए का रिएक्टिव ज़्यादा, क्योंकि ए एक रिएक्टिव मेटल है और बी कम रिएक्टिव है, इसीलिए ए उसे डिस्प्लेस कर दिया। अब आगे भी आप समझेंगे रिएक्टिव मतलब क्या होता है एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे आपको एक 3 नेल्स ले लेना है एंड क्लीन देम बाई रबिंग विथ अ सैंड पेपर, क्योंकि नेल भी रिएक्ट करता होगा ज़रूर ऑक्सीजन से, ऐसा कुछ अगर दे रहा है कि नहीं आप उसे रब करिए तो मतलब ज़रूर वो रिएक्ट करता होगा ऑक्सीजन से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब एंड मार्क एज ए एंड बी, इन ईच केस टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। देखिए एक ये ले लिए, ठीक है, इसमें एक ही दिखाया है, एक ही से आपको दिखाया है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक से दिखाया है और भी दिखाया है, रुकिए नहीं देखिए दिखाया है, 3 बोला है ना, तो रुकिए देखिए 3 बोला है, ए बी, हाँ ठीक है। देखिए टेक 2 आयरन नेल्स, देखिए टेक 2 आयरन नेल्स विथ अ थ्रेड, देखिए यहाँ पे थ्रेड से बांध के आयरन नेल्स को इधर लटका दिया है एंड कॉपर सल्फेट में उसे डाल दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन के अंदर है ना, इन टेस्ट ट्यूब बी में आपको डालना है फॉर 20 मिनट्स, कीप 1 नेल्स और एक नेल को आपको नॉर्मली रख देना है ऐसे, ताकि आप कंपेयर कर पाएँ, राइट, कि अंदर वाले से बाहर वाले का क्या डिफरेंस है, राइट, मैं कितना गंदा नेल बनाई, 1 मिनट,
चलिए कोई बात नहीं, समझ जाइए कि नील ही है. देन आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ठीक है, ठीक है, तो वो डिस्प्लेस कर देता है, तो वो बन गया आयरन सल्फेट. ठीक है, एंड फ्रॉम अ न्यू प्रोडक्ट मेनली आयरन सल्फेट. तो वही नाउ, अब आपको क्या रिएक्शन मिल रहा है यहाँ पे, एफ ई प्लस कॉपर सल्फेट. एक मिनट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट. तो ये क्या देगा, देखिए ये देगा आयरन सल्फेट, मतलब देखिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और कॉपर अकेला रह गया. ठीक है, देखिए आयरन पहले अकेला था, लेकिन आयरन को पता था कि मैं ताकतवर हूँ इस कॉपर से, इसे ये हटा दिया लात मार के. अब ये चला गया बेचारा साइड में और ये इसके साथ मिल गया, राइट. ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से. दैट व्हाट डज द नेल, एक मिनट, व्हाई डज द नेल, आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड. तो इसका आपको रीज़न देखिए बुक में भी दिया है. द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी, देखिए ये हुआ रिएक्शन, तो देखिए वही मैंने भी दिखाया था ऊपर. तो देखिए इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर. तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, यही इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, इसी चीज़ को. अब देखिए आगे क्या है, इन दिस रिएक्शन आयरन कैन, आयरन इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट फ्रॉम कॉपर सल्फेट दिस. ओ ये तो पढ़ लिया है. देखिए जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर. ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक मतलब अदर एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, तो इसमें जिंक और लीड भी ज़्यादा रिएक्टिव है. ओके, किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से. ठीक है, इसलिए वो लोग को डिस्प्लेस कर लेगा, हटा देगा लात मार के. देखिए अदर डबल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं. वैसे मैं आपको रिएक्टिव सीरीज रुके दिखा देती हूँ, रिएक्टिव सीरीज ही इस चैप्टर में आपको दिया है क्या रिएक्टिव सीरीज, नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, मैं आपको रुके बता देती हूँ. ज़्यादा बड़ा भी नहीं बचा है, चलिए अच्छा ही है, ख़त्म हो जाएगा, राइट. रुके यहीं पर आपको बता देती हूँ, लिखा देती हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिएगा. तो देखिए आप भी लिख लीजिए इसे, कनिका का मांग है ऑल्टो जेन फरारी, ऐसा मैंने याद किया है. देखिए आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा, के मतलब पोटेशियम, कनिका का मांग है, कनिका का मांग ऑल्टो जेन फरारी, वेट अ मिनट, यहाँ से लिखा था क्या, हाँ ऑल्टो जेन फरारी पबजी है. अब मैं इसको यहाँ कंटिन्यू करती हूँ, मेरा तो यही छोटा पड़ जाता है पेज है. क्यूट है जी ए जी ए यू, अंडरस्टैंड. तो देखिए कि नहीं समझ आ रहा तो मैं बताती हूँ, के से पोटेशियम, एन ए सोडियम, सी ए कैल्शियम, एम जी मैग्नीशियम, ए एल एल्युमिनियम, जेड एन जिंक. ये क्या, ओहो सॉरी मैं दो बार लिख दूँ, ये गलत हो गया. हाँ जिंक फरारी, ऑल्टो जेन फरारी, एफ ई मतलब आयरन, देन पी बी मतलब पबजी, एच मतलब है. सो मैं भी आपको राइमिंग वाला बताने लगी, पबजी नहीं, पी बी मतलब क्या होता है, लेड होता है, एच मतलब हाइड्रोजन, सी यू मतलब कार्बन, सॉरी सी यू मतलब कॉपर, सी यू मतलब एच जी मतलब होता है मरकरी, ए जी मतलब होता है सिल्वर, एंड ए यू मतलब गोल्ड. सिंपल, याद कर लीजिएगा. तो ये बस इतना ही आपको याद करना था, जो मैंने आपको दिया ना वही सब आप याद कर लेंगे ना, उतना ही सब आपका इस क्या बोलते हैं आपके क्लास तक है. ठीक है, चलिए डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है भाई, तो बताइए, बताती हूँ. देखिए यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, आपको तो मेरा वीडियो देखने का भी ज़रूरत नहीं है, इतना एग्जांपल आपके बुक में दिया, एक बार आप अपना बुक पढ़िए सब समझ आ जाएगा. फिर भी देखिए जल्दी, ये देखिए सोडियम सोडियम सल्फेट है ये, ठीक है, ये बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड है,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, ब्रेलियम सल्फेट बन गया। अब देखिए इसमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। तो देखिए बी एन ए से ज़्यादा रिएक्टिव, सॉरी देखिए तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसे डिस्प्लेस कर रहा है, एन ए को डिस्प्लेस कर रहा है, सॉरी यस बी बी ए डिस्प्लेस हो रहा है एन ए से, राइट। तो देखिए यहाँ पे एन ए सी एल बन गया और ये यहाँ बन गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसमें भी बहुत आसान है, ये एकदम कुछ नहीं करना है। अगर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि डबल डिस्प्लेसमेंट करिए, आपको ये देखिए ये रिएक्शन दे दिया, ठीक है, आपको ये नहीं दिया हुआ है मान लीजिए, ये बहुत आसान है। रुकिए मैं आपको अभी बता दूंगी, आप एकदम चुटकियों में कर लेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए नहीं दिया आपको, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करना, इसका अपोजिट अपोजिट लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे है बी ए सी एल लिख दीजिए, टू प्लस एन ए सी एल एन ए, सॉरी ये तो मैं लिख दिया आपको डायरेक्ट ही, एक मिनट रुकिए मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना। देखिए ये देखिए सब नहीं दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, बी ए को एस एस ओ के साथ लिख देना है, एस ओ फोर के साथ, ठीक है। बी ए को एस ओ फोर के साथ लिख दिए, ठीक है। अब देखिए आप ये एन ए को सी एल के साथ लिख दीजिए, तो एन ए सी एल तो सब लोग जानता है क्या होता है, एन ए सी एल क्या होता है, सॉल्ट होता है, एन ए सी एल, ठीक है। तो क्या हुआ, कितना ईजी था, बस इसे आपको अच्छे से एकदम देखिए, बस इसका अपोजिट इधर लिख दिए, इसका अपोजिट इधर लिख दिए, ठीक है ठीक है। तो समझ ही गए होंगे आप लोग अब कि एन ए को सी एल के साथ लिख देना है, बी ए को एस ओ फोर के साथ लिख देना है, ठीक है। पहले दूसरा ये सब कोई मायने नहीं रखता, आप इसको भी पहले लिख सकते थे, इसको बाद में लिख सकते थे, इतना भी कोई ज़रूरी नहीं है, ओके। अब देखिए यहाँ पे प्रेसिपिटेट वाला वर्ड आ रहा है, देखिए यहाँ पे प्रेसिपिटेट रिएक्शन, क्योंकि ये चीज़ इसमें प्रेसिपिटेट है, ठीक है। ये क्या है, प्रेसिपिटेट मतलब क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, देखिए ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या है, देखिए आगे क्या है, आगे क्या है, व्हाट कॉज दिस, देखिए अब क्या कॉज करता है ये वाइट प्रेसिपिटेट इस रिएक्शन में, द अदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड रिमेन्स इन द सोल्यूशन। तो जब फॉर्मेशन हो रहा है इसका सोडियम क्लोराइड का, तो वो क्या हो रहा है उसमें का रिमेनिंग जो सोल्यूशन रह रहा है ना उसी में रह जा रहा है। तो जो फॉर्मेशन हो रहा है ना सोडियम क्लोराइड का, वो उसी में रह जा रहा है उसका सोल्यूशन में, ठीक है। सच रिएक्शन इन विच देयर आर एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्शन इज कॉल्ड डबल रिएक्शन, ओके। देखिए हम अपने लास्ट टॉपिक पे भी आ गए, मतलब एक घंटे के मुश्किल से हुआ होगा ये सेशन, क्योंकि पिछले वाला तो मैंने आधा घंटा का बनाया था, मुझे उससे उतना याद नहीं है, 40 मिनट या तो आधा घंटा का ही बनाया था, और ये देखिए अभी 8 मिनट ही हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया आपका, पूरा चैप्टर भी हो गया बहुत आसान वे में, राइट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही मतलब समझ आ रहा है भाई, कुछ ऑक्सीजन से रिलेटेड होगा, तो यस सही बोल रहे हैं आप, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन गेन। तो जब ऑक्सीजन गेन होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, और H2O जब रिलीज होता है, और ठीक है, या तो अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है या तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन लूज हो रहा है, उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिडक्शन क्या कहेंगे, या तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, लॉस हो रहा है, और या तो और हाइड्रोजन गेन हो रहा है। हाइड्रोजन एकदम अपोजिट होगा ऑक्सीजन वाले का, ऑक्सीजन ही से याद रखिए कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन गेन और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन लॉस, ठीक है। उसी के अपोजिट कर दीजिएगा हाइड्रोजन का, जैसे कि जब ऑक्सीजन गेन होता है तब हाइड्रोजन लॉस होता है, जब हाइड्रोजन लॉस होता है तब ऑक्सीजन गेन होता है, जब ऐसे टाइप्स कर लीजिएगा, या तो जब हाइड्रोजन गेन होता है तब ऑक्सीजन लॉस होता है, तब रिडक्शन होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है वेट अ मिनट ऑक्सीडेशन, हाँ चलिए लास्ट टॉपिक नहीं एक और है, चलिए ऑक्सीडेशन कर लेता है पहले। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे देखिए, सी यू के पास पहले ऑक्सीजन था, नहीं था, अब आ गया इधर इस वाले में, इधर आ गया ऑक्सीजन, इधर तो नहीं था सी यू के पास, अब आ गया, तो ठीक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। इधर तो है ऑक्सीजन सी यू के पास, इधर लीव कर रहा है कि नहीं, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। देखिए इसी में कहीं दिया भी होगा, इफ़ हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन गैस पास थ्रू अ हीटिंग मटेरियल इज कॉल्ड द ब्लैक कोटिंग ऑन द सर्फेस टर्न्स ब्राउन। अच्छा ये यहाँ पे आपको जो ये दिया है ना एक्टिविटी, रुके एक्टिविटी भी करते हैं, 1.11 एंड
हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर. अब कॉपर अगर हीट से होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर होगा, राइट. ऑक्सीजन से हीट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ना, एयर में भी तो ऑक्सीजन होता है, तो हीट के वजह से ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा. दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर सल्फ्यू कॉपर ऑक्साइड होगा, राइट. अब देखिए इफ हाइड्रोजन, तो ये तो पढ़ ली, आगे देखते हैं. इफ द सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन सेड ऑक्सीडेशन. तो देखिए मैंने कहा था गेन होगा ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन, इफ द सब्सटेंस लूज होगा ऑक्सीजन तो रिडक्शन, ठीक है. ड्यूरिंग दिस हार्ड, वही मतलब है कि ये लूज हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये लूज कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है, बस यही सब है. चलिए सम एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स. अब रिडॉक्स क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दोनों हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है. तो देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जिंक यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसके पास तो है गेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये देखिए ये तो कार्बन तो गेन कर रहा है ना ऑक्सीजन. मैं आपको समझाती हूँ, इसके पास है ऑक्सीजन जिंक के पास, यहाँ नहीं है, ये लूज कर रहा है ऑक्सीजन. यहाँ पे देखिए तो कार्बन के पास ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ है, तो ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो दोनों हो रहा है कि नहीं, गेन. तो देखिए लूज भी हो रहा है गेन भी हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ये हुआ रिडॉक्स रिएक्शन, डन. आगे देखते हैं, अब देखिए कितना है, यही है शायद, हाँ यस डन, बस इतना ही है. चलिए ये भी बहुत इजी टॉपिक है, समझ आ जाएगा आप लोग को ये भी. तो कोराइजन मतलब, देखिए कोराइजन मतलब क्या होता है, कोराइजन मतलब वो होता है जब एक मेटल अटैक्ट होता है अपने सराउंडिंग से, अपने सराउंडिंग से मतलब, अब आप एक लोहा को लेके मारने लगेंगे, लोहा से तो वैसे नहीं होगा, या आप लाते लाते मार रहे हैं तो वो भी नहीं होगा. उसको कैसे अटैक होगा, वो मॉइस्चर से जब अटैक करे, या तो फिर आप बोल सकते हैं एसिड से, ऑक्सीजन से, पानी से, वाटर से, जब उसमें जंग लग जाए, राइट. जैसे आयरन को आप देखते हैं जंग लग जाता है, तो वो मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है तो मतलब वो कोराइजन कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये भी. कोराइजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज ब्रिज, राइट. देखिए यहाँ पे शिप्स मतलब जंग लग जाना, राइट. कोराइजन इज अ आयरन सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है, तो यही सब है. देखिए यहाँ पे दिया है मॉइस्चर एसिड सच एज, ठीक है, जब इससे रिएक्ट होता है तब वो अटैक्ट होता है तभी उसे कोराइजन कहते हैं. और जो वो जैसे कि आयरन हो रहा है ना, आयरन कोराइजन हो रहा है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, आयरन इज गेटिंग कोराइड, ओके. अब देखिए रेडिडिटी क्या होता है, रेडिडिटी तो मेनली वही होता है जैसे कि व्हेन अ फैट और ऑयली कंटेनिंग ऑयल कंटेनिंग फूड आर केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम देन बिकम बैड इन टेस्ट एंड स्मेल, दिस चेंज इज कॉल्ड रेडिडिटी, ठीक है, रेडिडिटी. और जैसे कि देखिए आपको जब लेज वेज आप ख़रीदते हैं, कुरकुरे वुरकुरे का पैकेट, तो उसमें जो एयर भरा रहता है ना, वो इसीलिए रहता है ताकि वो रेडिक ना हो, समझ में आया. इसे रेडिडिटी से बचाने के लिए उसे उसमें नाइट्रोजन एक्चुअली भरा जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी शायद दिया है, डू यू नो दैट द चिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूजुअली फ्लैक्स बैग ऑफ चिप्स विद गैस ऑफ नाइट्रोजन प्रिवेंट, हाँ. तो क्यों होता है, ये इसीलिए होता है कि ताकि वो बैड स्मेल ना करे, टेस्ट ना करे, राइट. इसलिए अब देखिए प्रिवेंशन का भी बात कर लेते हैं. तो देखिए कोराइजन में आप प्रिवेंशन कैसे करेंगे, कोराइजन में प्रिवेंशन करने के लिए आपको जो वो लोहा है उसे कोट कर देना चाहिए, राइट, ऑयल से या ग्रीस से उसे कोट कर देना. देखिए आपके पापा लोग करते होंगे ज़रूर, जो लोहा का आपका शीश खिड़की होगा या तो कोई भी जो लोहा का सामान होगा उसे वो पेंट ला के कोट कर देते होंगे उससे, ठीक है, पेंट से, ताकि वो कोराइड ना हो, अटैक ना हो, लोहा पे डायरेक्ट अटैक ना हो ऑक्सीजन का, राइट. है तो थिन लेयर किसी मेटल का जो कोराइड ना हो उस मेटल का, राइट. जैसे कि आयरन वायरन कम रिएक्टिव है, लेकिन अब सॉरी आयरन बोलिए गोल्ड एंड सिल्वर, लेकिन अब गोल्ड एंड सिल्वर का थोड़ी ना लगाएंगे, तब भी और भी लेस रिएक्टिव जो मेटल्स रहते हैं उसे कर सकते हैं, राइट. बट आयरन तो आपका थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है ना, इसलिए.
चलिए अब आगे देखते हैं कि रेडिटी से कैसे बचें, प्रिवेंशन। तो आप फ्रिज में अगर रख देंगे अपने फूड को, खाना को कूल जगह पे, तो वो रेडिट नहीं होगा। फिर आप और क्या कर सकते हैं, देन आप सनलाइट से उसे दूर रखिए, नाइट्रोजन से पैक करके रखिए। देखिए यहाँ पे दिया नाइट्रोजन से पैक करके रखिए चिप्स विप्स को, तो इससे आप रेडिटी से बच सकते हैं, उस सब्सटेंस को रेडिट होने से बचा सकते हैं उस खाने को, राइट। ठीक है, तो आज मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया आप लोग का। अब क्वेश्चन आंसर्स तो हैं, क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, या तो मैं इस चैप्टर का शायद ना करूँ क्वेश्चन आंसर, मैं अगले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करूँगी। ठीक है, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपको चाहिए तो, नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं सेकेंड चैप्टर का करूँगी। थैंक यू, एंड प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी समझ आया ना, तो प्लीज़ हमें लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।